श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहार के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले शुभकामनाएं उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है। शुभकामनाएं उन लोगों के लिए जिनकी आज हैप्पी एनिवर्सरी है। परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज का सुविचार, जिन लोगों के पास उम्मीद रहती है ऐसे लोग लाख बार हारने के बावजूद भी नहीं हारते। आज की तारीख 10 नवंबर 2021, आज का वार बुधवार। आज कार्तिक माह का 21वां दिवस है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी 8:25 सुबह तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 10 नवंबर 2021 के सूर्योदय का समय रहेगा 6:40 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 5:30 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 12:22 दोपहर को और चंद्रास्त का समय होगा 10:56 रात्रि को। आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ 3:42 दोपहर बाद तक रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में। जिन लोगों के नाम अक्षर भे, भो, जा और जी से शुरू होते हैं वे लोग उत्तराषाढ़ नक्षत्र के होते हैं। इनकी राशि का पहला चरण धनु का अंतिम तीन चरण मकर राशि के होते हैं। राशि स्वामी पहला एक चरण गुरु का अंतिम तीन चरण शनि के होते हैं। तत्व पहला एक चरण अग्नि तत्व, अंतिम तीन चरण पृथ्वी तत्व के होते हैं। गणिन का रहता है मनुष्य, नाड़ी अंत्य, नक्षत्र देवता विश्व और स्वभाव से ध्रुव माने जाते हैं। आज की सूर्य राशि है तुला, आज की चंद्र राशि है मकर। आज का पहला कर्ण तैतिल 8:25 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण गर 7:32 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद वणिज कर्ण प्रारंभ हो जाएगा। आने वाले कुछ व्रत और त्योहारों में से 10 तारीख को छठ पूजा होगी, 11 तारीख को अष्टाहिन का विधान शुरू हो जाएंगे। आज का योग शूल 9:11 सुबह तक रहने वाला है। इसके बाद गंड योग प्रारंभ हो जाएगा। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है। इसके निवारण के लिए धनिया, तुलसी और तिल खाकर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम होता है और साथ ही साथ यात्रा भी सुगम सफल हो जाती है। आइए जानते हैं शूल योग के बारे में। शूल एक प्रकार का अस्त्र है और इसके चुभने से बहुत भारी पीड़ा होती है, जैसे कि नुकीला कांटा चुभ जाए। इस योग में किए गए कार्य से हर जगह दुख ही दुख मिलते हैं। वैसे तो इस योग में कोई भी काम कभी पूरा होता ही नहीं, परंतु यदि अनेक कष्ट सहने के बाद पूरा हो भी जाए तो भी शूल की तरह से, कांटे की तरह से हृदय में एक चुभन सी पैदा करता रहता है। यदि आपकी कुंडली में शूल योग है तो आप भरोसेमंद और भाग्यशाली हैं। आपका झुकाव समाज सेवा की ओर हो सकता है और आप आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। आप भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा रखते हैं। आज का शुभ समय, आज का विजय मुहूर्त 1:53 दोपहर से 2:37 दोपहर तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:53 सुबह से 5:46 सुबह तक रहेगा। मित्रों, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त और राहु काल आज लगभग एक ही समय पर है। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 12:05 दोपहर से 1:26 दोपहर तक रहेगा। यमगंड काल का समय रहेगा 8:01 सुबह से 9:22 सुबह तक। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा विघ्न आ सकता है। आज के कुछ अन्य योगों में अमृत कालम योग 9:38 सुबह से 11:09 सुबह तक रहेगा। रवि योग का समय 6:40 सुबह से 3:42 दोपहर तक रहेगा। मित्रों, रवि योग में गाय को भीगा हुआ गेहूं खिलाने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है।
जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब है या कोई खराब योग बना रहा है तो गाय को भीगा हुआ गेहूं अवश्य ही खिलाएं, आपको इसमें सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। लाभ समय रहेगा 6:44 सुबह से 8:04 सुबह तक। अमृत काल का समय होगा 8:04 सुबह से 9:23 तक। शुभ समय 10:44 सुबह से 12:05 दोपहर तक रहने वाला है। चर समय 2:47 दोपहर से 4:06 तक होगा। लाभ समय 4:06 से 5:26 शाम तक रहने वाला है। आज रात के चौघड़िये में शुभ समय 7:07 शाम से 8:46 तक रहेगा। अमृत समय 8:46 शाम से 10:26 रात्रि तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 10:26 रात्रि से 12:05 मध्य रात्रि तक होगा। लाभ समय 3:24 अगले दिन सुबह से 5:05 अगले दिन सुबह तक रहेगा। तो ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।